ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और टिक सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे विद द कंटिन्यूशन ऑफ यस्टरडे, जो हमने कल सीखा था, लास्ट क्लास में सीखा था, उसे कंटिन्यू करते हैं, रिकैप करते हैं ताकि हम जो उन चीज़ों को ना भूलें। छोटा सा रिकैप, होटल इंडस्ट्री बहुत बूम इंडस्ट्री है अभी, इसमें बहुत ग्रोथ आ रही है। हर दिन एक नया होटल, हर आपके आसपास भी नए रेस्टोरेंट, नए क्लब्स, नए होटल, नया डिस्कोथेक, नई आउटलेट जहाँ पे खाने और पीने की सुविधाएं मिले, ऐसे होटल जहाँ पे थोड़ा फ्रेंडली माहौल हो, जिसको हम बुटीक होटल या थीम होटल कहते हैं, और हाईवे पे कुछ होटल बनते हैं जिसको मोटल कहते हैं, हाईवे पे कुछ खाने के अगर आउटलेट बनता है उसको हम ढाबा कहते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें खुल रही हैं, तो इन चीज़ों का डायरेक्टली कनेक्शन है होटल इंडस्ट्री के साथ। तो इस ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसी इंडस्ट्री का जब पार्ट बनते हो तो ये जब इंडस्ट्री बढ़ रही है तो आप भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हो, आपका स्कोप और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको आपके पास टारगेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप अच्छे अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं आपको, इंडस्ट्री नई नई जगह बनेंगी तो उनको लोग चाहिए काम करने के लिए। वो कौन से लोग देखेंगे, जो कुछ सीखे हुए हों, जिनको पता हो इस इंडस्ट्री के बारे में, जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, नॉलेज हो जिनके पास, ऐसे लोगों को ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं अगर कहीं भी कोई नया होटल, कोई नया रेस्टोरेंट, कोई नया डिस्कोथेक, कोई नया क्लब ऐसा कुछ खुलता है। तो हम उस हर जगह होटल इंडस्ट्री में हम पढ़ाई करने के बाद, सीखने के बाद, हम उस हर जगह काम कर सकते हैं जहाँ पे सेवा करने का मौका हो, जहाँ पे लोगों को कुछ सामान के साथ साथ अपनी सर्विसेज बेचनी हो, बातें करनी हो, उनको हेल्प करना हो, उनका असिस्टेंस करना हो, उनको सपोर्ट करना हो। एविएशन, ये जहाँ फ्लाइट में आप देखते हो, बस फ्लाइट में आपको यात्री की तरह नहीं बैठाया जाता, आपसे अच्छे से व्यवहार किया जाता है, आपको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, आप उस बस बैठ के जाने का नहीं देते, आप उस एक्सपीरियंस का पैसा देते हो और उस एक्सपीरियंस का पैसा हम कैसे लेते हैं। सेम होटल में बस खाने के लिए लोग नहीं आते, लोग एक एन्जॉयमेंट के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, नई नई चीज़ें देखने आते हैं, नई नई चीज़ें टेस्ट करने आते हैं, ठीक है। अब होटल में चार डिपार्टमेंट जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो जिनको मेन डिपार्टमेंट है, इनका काम है बस गेस्ट जो आए, उनको होटल में आने वाले को हम कस्टमर नहीं कहते हैं, हम उनको गेस्ट कहते हैं। जो भी गेस्ट आए हम उनसे कैसे बात करें, तो गेस्ट के लिए काम करना, गेस्ट के लिए काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं उनके लिए ही हम हैं और उनको ही हम अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो पैसे देते हैं और होटल चलता है। हम घर पे हमारी कहावत है ना, मेहमान भगवान के समान होता है, तो जी हाँ, यहाँ भी वो मेहमान ही है, बस फ़र्क इतना है कि उस मेहमान से हम थोड़े बहुत बदले में पैसे ले लेते हैं, वो मेहमान बस थोड़े बहुत पैसे देता है हमें, और घर का मेहमान शायद ना दे, लेकिन पैसा ऐसे नहीं लेते, वो अपनी खुशी से देता है, और अगर सेटिस्फाइड होता है, एक्सपेक्टेशन उसकी मीट करती हैं, तभी हम कोशिश करते हैं उसे पैसे लेने की, ज़बरदस्ती नहीं लेते, ताकि उसको जाने के बाद ये फील ना आए कि यार मुझे खींच लिया गया पैसा, उसको ऐसा लगे नहीं यार, अगर जितना भी मैंने पे किया है उतने की मैंने सर्विसेज की है, उतना मैंने फील किया है, उतना मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया, पैसे भले गए लेकिन मज़ा आया, तो ये फील आना चाहिए। तो ऐसे चार डिपार्टमेंट हैं जो मेन हैं, एक है खाना बनाने वाला, उसको कहते हैं फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। कोर डिपार्टमेंट्स में आता है, उसको कहते हैं कोर, कोर मतलब मेन, कोर डिपार्टमेंट है होटल के, पहला है फूड प्रोडक्शन, क्या है फूड प्रोडक्शन, फूड मतलब खाना, प्रोडक्शन मतलब बनाने वाला, ठीक है, जिसमें काम करने वालों को हम शेफ़ कहते हैं, क्या कहते हैं शेफ़, क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल हैं, इनको नॉलेज है, ये नई नई चीज़ों को मिक्स करके बनाते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं, हर एक नया डिश ट्राई करते रहते हैं, और उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे हेल्थ कि हम मिक्स तो कर रहे हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला रहे हैं, लेकिन उससे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उससे किसी की हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, हाइजीन
साफ सफाई के साथ खाना बने, क्योंकि हम जब भी गेस्ट किसी भी एक अच्छे होटल में आता है उसके दिमाग में ये डाउट नहीं रहता कि ये अगर फाइव स्टार होटल में जा रहे हैं तो मुझे गंदा खाना मिलेगा, मुझे पता नहीं सड़ी हुई सब्जी या कुछ भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए होंगे। ये उनके दिमाग में बैठाया कैसे, क्योंकि हम होटल इंडस्ट्री में हाइजीन के साथ कोई भी कोताही नहीं बरतते, कुछ भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हेल्थ और हाइजीन और सेफ्टी काम करने की जगह पे सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। भरे टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन साफ़ सफाई में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हाइजीन मेंटेन करने में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि खाना ऐसा बने जिसमें कुछ गंदगी हो और वो जब गेस्ट के पेट में जाए तो उनको तकलीफ करे, हम उस लेवल तक सोचते हैं, इसलिए हम हेल्थ हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो फूड प्रोडक्शन शेफ का डिपार्टमेंट है जहाँ पे शेफ़ नए नए तरीके के दुनिया के हर कोने का खाना बनाते हैं और उसको साफ़ सफाई के साथ अच्छे से सजा के गार्निश करके खूबसूरत बना के उस खाने को प्लेटिंग करके रेडी करते हैं ताकि गेस्ट उसको खाए। दूसरा डिपार्टमेंट है इसी से रिलेटेड, खाना बन तो गया लेकिन उसको परोसना और उसको बेचना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, बताना गेस्ट को, उसका नाम है दूसरे डिपार्टमेंट का फूड खाने एंड बेवरेज। बेवरेज मतलब पीने की चीज़, कोई भी पीने की चीज़, एनी पोर्टेबल लिक्विड, कोई भी लिक्विड जिसको पिया जा सके और उसको पीने के बाद हमें तकलीफ ना हो, उस चीज़ को बेवरेज कहते हैं। बेवरेज का मतलब ये नहीं कि कोई भी लिक्विड को हम बेवरेज नहीं कह सकते हैं, लिक्विड तो पेट्रोल और डीजल भी होता है कि लेकिन उसको पी तो नहीं सकते ना, खाने वाला पीने वाली चीज़ें जिसको जिससे हमें हार्म ना पहुँचे, उसकी सर्विस करना। तो यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो उस खाने के बारे में पहले तो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर उसको ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर खाना आता है तो उसको सर्व भी करते हैं, और बस सर्व ही कर देना ख़त्म नहीं होता, फिर उसका फीडबैक भी लेते हैं कि कैसा लगा, कोई कमी है तो उसके बाद भी वो उसको चेंज करवाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग स्टेप्स में होता है और स्टैंडर्ड होता है। जैसा आप एक होटल में देखोगे वैसे ही आप दूसरे ताज होटल या तीसरे ताज होटल या चौथे ताज होटल में जाओगे, एक ही तरीके की सर्विस, एक ही स्टैंडर्ड की सर्विस आपको हर जगह मिलेगी। और कैसे, मेन चीज़ है मुस्कुराते हुए सर्विस, अपनापन दिखाते हुए सर्विस। जैसे आप देखो, एक स्माइल, प्रेजेंटेबल, यूनिफॉर्म और पर्सनालिटी, सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम सर्विस करते हैं। अगर इन चीज़ों को, वैसे तो हम रोबोट से भी सर्विस करवा सकते थे, वो खाना उठाया, सर्व कर दिया, परोस दिया, लेकिन रोबोट सर्विस करेगा और एक इंसान सर्विस करेगा, फ़र्क लगेगा। किसका फ़र्क मिलता है? इमोशंस, भाव। तो लोगों को इमोशंस चाहिए, लोगों को भाव चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, लोगों को बस सर्विस नहीं चाहिए, बस खाना नहीं चाहिए, अपनापन चाहिए, दोस्ती चाहिए। अब वो अकेला बैठा है, उसको चाहिए कोई मेरे पास आए, मुझसे बात करे, खाने से रिलेटेड बात करे और किसी चीज़ से रिलेटेड बात करे, मुझे कुछ समझाए। मुझे खाने और पीने के बारे में, जो गेस्ट आता है उसको उतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसके मन में ये होता है कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है ये एक्सपर्ट है खाने और पीने की चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको एज अ एक्सपर्ट देखता है और वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको खाने पीने के बारे में अच्छी अच्छी राय दो, अच्छी अच्छी सजेशन दो, ताकि वो आपकी बातें सुन के उनको अच्छे से खाए और वो उसका उसको सेटिस्फाइड हो, उसका हेल्थ अच्छा हो और उसको नया टेस्ट एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। ठीक है, तीसरा डिपार्टमेंट है जो ये हो गया फूड से रिलेटेड। अब बस होटल में लोग खाने नहीं जाते ना, जब दूर हम जाते हैं किसी होटल में तो हमें रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है रूम से रिलेटेड। कमरे बिकते हैं, कमरों में लोग रहते हैं, कमरे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक होते हैं, लग्जरी वाली फील आती है कि जो हमें घर पे भी नहीं मिलता, जितनी आराम, जितना सहूलियत वो हमें होटल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिले, आरामदायक बेड मिले, चिल्ड रूम मिले, एसी काम कर रहा हो, लाइटिंग अच्छी हो, खूबसूरत पेंटिंग हो, डेकोर हो, खिड़की खोलें तो व्यू अच्छा हो और वॉशरूम जाएं तो साफ़ सफाई हो,
हर चीज़ें अवेलेबल हों, चाय कॉफ़ी बनाने की मशीन हो, छोटा सा फ्रिज हो जिसमें मुझे खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल हों, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं। तो उसी एक्सपेक्टेशन को मीट करने का काम है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। अगर होटल चमकता है तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की वजह से, होटल को चमकाना, होटल को होटल जितना खूबसूरत बनाना इनका काम है। तो हर एक इंसान, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल है, अपना अपना महत्व है, कोई किसी से कम, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, सबका अपना अपना स्टाइल और रोल है। चौथा है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि आए हुए गेस्ट को वेलकम करना और उनको मुस्कुराते हुए ले जाना, उनको उनके कमरे तक दिखाना, उनको कमरे के बारे में बताना, उनकी इन्फॉर्मेशन ले लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव करना, उनको की देना, उनको साथ कोई छोड़ के आए रूम तक उनको बताए, ये सारा काम फ्रंट ऑफिस का होता है। दो पार्ट में, एक होता है जब गेस्ट आता है और जब गेस्ट जाने वाला होता है। आगे आने वाले क्लासेस में और डिटेल में समझेंगे, अभी हम ब्रीफ समझ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको कहते हैं कोर, मेन डिपार्टमेंट। ये चारों गेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को कहते हैं फ्रंट ऑफ हाउस डिपार्टमेंट। ये सामने के चेहरे हैं, लोगों से बात करना, तो सामने के चेहरे खूबसूरत होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, ठीक है, बातें करनी आनी चाहिए। और ये दोनों डिपार्टमेंट है बैक ऑफ हाउस, मतलब ये पीछे से इन दोनों को सपोर्ट देते हैं। ये खाना नहीं बनाएगा तो ये बेचेगा कहाँ से, ये रूम नहीं बनाएगा तो ये उसको दिखाएगा कहाँ से, ठीक है। अब इनके अलावा भी एक दो कुछ डिपार्टमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन चारों डिपार्टमेंट को पीछे से सपोर्ट करते हैं। उनका काम गेस्ट से मिलना नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं होते तो ये अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। उसको कहते हैं सपोर्टिव डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट। जैसे सपोर्ट डिपार्टमेंट के पे आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। क्या है? इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। तो इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस का काम ये होता है कि होटल में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें, प्लांट, सब कुछ है। अब ऐसा थोड़ी घर की तरह कि अगर कुछ ख़राब हो गया, रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया, गैस काम नहीं कर रहा है, तो जाओ जाओ पास वाले अंकल को बुला के लाओ, आके ठीक कर देंगे। तो गेस्ट तो वेट नहीं करेगा ना, उसको तो खाना भी चाहिए, उसको चीज़ें भी चाहिए। अब एसी ख़राब हो गया तो कॉल करो, मैकेनिक आएगा, एसी बनाएगा, तब तक गेस्ट को गर्मी में रखोगे आप? रूम चेंज कर देंगे, लेकिन वो चीज़ें बनने में घर पर टाइम लगता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें ना हो तो हम क्या करते हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, जिसका काम होता है कि होटल के अंदर कोई भी चीज़ ख़राब होती है उसको रिपेयर करना या चेंज करवाना इनका ज़िम्मेदारी है। कोई भी चीज़ को मेंटेन रखना, साफ़ सफाई रखना, प्रॉपर टाइम टू टाइम उसमें सर्विस करते रहना, वो इनका काम होता है इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। पानी का प्लांट हुआ, सिविल को, इंजीनियरिंग में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं ना, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सब के बंदे इसमें होते हैं, सबसे जुड़े हुए लोग इसमें होते हैं। कुछ भी चीज़ें ख़राब हुई, बस एक फ़ोन कॉल और पूरी टीम आती है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करती है। लाइट ख़राब हुआ, तुरंत लाइट लेके आ जाएंगे, बना देंगे, ताकि ऑपरेशन, ताकि गेस्ट को कोई दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो, इनको दिक्कत ना हो। अगर इनको दिक्कत होगी तो ऑटोमेटिकली गेस्ट को दिक्कत होगी, गेस्ट को दिक्कत होगी तो गेस्ट खुश नहीं होगा, गेस्ट खुश नहीं होगा तो पैसे कम मिलेंगे होटल को, पैसे कम मिलेंगे तो स्टाफ खुश नहीं होगा, सब चेन बना हुआ है, ठीक है। गेस्ट खुश, हम खुश, हम खुश, सब खुश, ठीक है। सारे स्टाफ के लिए ये काम करते हैं ताकि इनका डिपार्टमेंट सही से चले, इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको दिक्कत नहीं आएगी तो गेस्ट ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ये इस डिपार्टमेंट का रोल ज़्यादा समझ में आया हमें जब 26/11 का ताज पे अटैक हुआ था। क्यों सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, क्यों सेफ्टी इम्पोर्टेंट है?
यहाँ पे फाइव स्टार होटल में ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं जो बिलियनियर मिलियनियर या कहीं दूसरे देश के बड़े लोग होते हैं। अब एक अप्रॉक्स लगाया जाए आपके शहर में रामबाग पैलेस है जिसका मिनिमम रूम टैरिफ है एक दिन का 50,000 से 55,000 रुपए और हाईएस्ट रूम टैरिफ है 12,00,000 रुपए एक दिन का बस रूम टैरिफ रहने का। तो ऐसे होटल्स में कौन आएंगे? ऐसे होटल्स में ऐसे लोग आते हैं जो किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट पर्सन हो सकता है बहुत फेमस, कोई एक्टर, डायरेक्टर, पॉलिटिशियंस और कोई डिप्लोमेट्स, कोई दूसरे कंपनी का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मतलब टॉप क्लास के लोग होते हैं, अच्छे सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप सर्विस करते हो तो उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी ही सिक्योरिटी क्यों, जो काम करता है उसकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान ये डिपार्टमेंट रखती है। कुछ अनवांटेड चीज़ ना हो, आग ना लगे, आग लगे तो जल्दी से बुझाया जा सके, कोई अनवांटेड एक्टिविटी हो, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो, प्रॉपर आपको चेक किया जाता है, स्टाफ हो या गेस्ट हो, उसके बाद वो अंदर जाते हैं, गेस्ट की गाड़ी चेक की जाती है, स्टाफ को प्रॉपरली चेक करके अंदर भेजा जाता है और जब वापस निकलते हो तो प्रॉपरली चेक करके आप वापस निकलते हो। तो ये अच्छी चीज़ें हैं ताकि हम फील करें कि अगर हम होटल के अंदर हैं तो ज़्यादा सेफ़ हैं, बाहर होते रोड पे तो शायद उतना सेफ ना हो, लेकिन अगर होटल में कदम रख दिया तो हमारी सेफ्टी बहुत है। जो आजकल लोगों को घर लड़कियां इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उन्हें लगता है होटल सेफ़ नहीं है, एक मिथ है, एक वहम है, जबकि देखा जाए तो होटल ज़्यादा सेफ़ है अगर वो घर या पास पड़ोस के कहीं और जॉब कर रही हैं, उससे ज़्यादा होटल सेफ़ होता है उनके लिए। आपके साथ कुछ भी होता है, आपके लिए एचआर बैठा हुआ है, आपके एक कंप्लेंट पे जीएम तक को निकाल दिया जा सकता है। इस लेवल की हाई सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। गेस्ट तक को मना कर दिया जाता है कि आप निकलो, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं कि बहुत लेडीज़ को या गर्ल्स को जो हमारी स्टाफ हैं उनको रेस्पेक्ट और सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है हमारी। जो हम हमारे मन में वहम है उस वहम को दूर होने में टाइम लगेगा धीरे धीरे। जब तक आप लोग आओगे इंडस्ट्री में आप देखोगे तो ये वहम दूर होता जाएगा। ये वहम क्यों हुआ? क्योंकि छोटे मोटे होटल जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट नहीं करते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते कि ऐसे इंसिडेंट वहाँ पर होती हैं। बड़े होटल में कभी ऐसे इंसिडेंट आपको जल्दी सुनने नहीं मिलेंगे। चलो दूसरा तीसरा जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है जो बहुत मेन बहुत क्लोजली काम करता है वो है अकाउंट एंड फिनांस। इन्होंने बेचा, इनका काम था बेचने का, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का कि कितना हमने खर्चा किया, कितनी प्रॉफिट आई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, हमने कम किया तो ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा किया तो और ज़्यादा करना चाहिए, इन सारे चीज़ों का हिसाब किताब रखना काम है अकाउंट एंड फाइनेंस का। एक डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता है कितनी चीज़ें खरीदी गई, उसका कितना पैसा हुआ और कितने में हमने बेचा, डिफरेंस क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा अकाउंट एंड फाइनेंस देखता है। ठीक है, ये बताता है इन सबको कि आप अपना काम करो, हिसाब किताब हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चौथा जो मेन डिपार्टमेंट है वो है परचेज एंड स्टोर, ये दोनों एक साथ आता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि इनको जब ये सामान बेचेंगे वो कोक हो सकता है और खाने की चीज़ हो सकती है, कुछ रूम के मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो तो ये थोड़ी ना कि किराने की दुकान से जाओ लेके आओ। तो होटल में सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, पहले से आके स्टॉक में रखा होना चाहिए, उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी परचेज एंड स्टोर की है। एक आखिरी डिपार्टमेंट है जो मेन है, वो उसका नाम है सेल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग जिसका काम होता है कि होटल में कौन आएगा, जो काम कर रहे हैं वो पकड़ पकड़ के थोड़ी लाएंगे आप आओ मेरे होटल में चलो एक्सपीरियंस करो रहो या खाओ। तो इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है जो मार्केटिंग करती है और होटल का सेल बढ़ाने का काम करती है। कैसे बढ़ाती है? अलग अलग कंपनी से, बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप करती है कि आपके जितने भी गेस्ट आएंगे वो हमारे यहाँ आने चाहिए। कोई भी IPL इवेंट होता है उससे टाई अप करती है कि आपके जितने भी खिलाड़ी आएंगे वो हमारे होटल में आए, और लोगों को बताती है होटल के बारे में डिजिटली और ऐसे वर्बली। ओके,
तो ये था आज का टॉपिक जो कोर डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट और सपोर्ट डिपार्टमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि आप इमेजिन कर सको, दिमाग में फील कर सको कि होटल कैसे चलता है। होटल एक छोटा वर्ड नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, एक टीम वर्क है। इसमें से एक डिपार्टमेंट को भी हटा दें तो होटल नहीं चल पाएगा, सबका इक्वल काम है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे गोल्डन रूल्स कि होटल में अगर हमें काम करना है तो किन चीज़ों का ध्यान हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, किन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। उस समझ के साथ काम करेंगे तो गेस्ट कभी कंप्लेन नहीं करेगा, वो हमेशा खुश होके जाएगा। थैंक यू सो मच।